हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर टेक एकेडमी में। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई साहब? हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वैलिडिटी, एडवांस फिल्टर, ये सब चीज़ें पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट क्या होता है। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाइवोट चार्ट्स एंड पाइवोट टेबल्स। ठीक है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे और यही आपके कैल का बच्चों आखिरी टॉपिक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बनता कैसे? इसके लिए कोई डेटा बनाना है तो एक डेटा यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये डेटा है, नेम है, जोन है और सैलरी है। ठीक है, हम चाहते हैं इसको ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए पहले हम इस डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लें। ठीक, फिर इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में देखिए यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पाइवोट टेबल। तो पाइवोट टेबल पर जब जाएंगे तो यहाँ पर करेंट सेलेक्शन, ठीक है, और ओके। ठीक, फील्ड इस पर डबल क्लिक करेंगे। नेम कहाँ पर जाएगा? फिल्टर्स में। जोन कहाँ जाएगा? रो में डाल देते हैं। और सैलरी डाल देते हैं डेटा फील्ड में, ठीक है, और ओके। देखिए ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ का टोटल आ गया है कि इसमें पाइवोट टेबल बन गई है इसकी। ठीक है, यहाँ से करेंगे किसका चाहिए, ऑल हटा के सिर्फ अभिनव का, ओके। ये सिर्फ अभिनव है, साउथ जोन के हैं, इनका सैलरी आ गया। यहाँ से फिर जाएंगे अभिषेक करेंगे और ओके। तो अभिषेक नॉर्थ के हैं और अभिनव साउथ के हैं, तो ये आ गया। ठीक है, जोन यहाँ से हटा के जिसका देखना, सिर्फ नॉर्थ का, तो ओके, सिर्फ नॉर्थ का दिखेगा। ठीक है, मल्टीपल मतलब सब, ऑल करिए, सबका टोटल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक, ये है डेटा। फिर से इंसर्ट में जाएंगे, फिर पाइवोट टेबल पर जाएंगे, फिर करंट सिलेक्शन, ओके। अब बदल के से देखते हैं। ठीक है, जोन का फिल्टर लगा देते हैं और सैलरी रो फील्ड में कर देते हैं, ठीक है, और ओके। अब देखिए सैलरी आ गई, जोन, ठीक है, जोन आ गया आपका। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ऑल हटा के जो जोन चाहिए, नॉर्थ, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर्थ की सैलरी आ गई, ठीक है, और साउथ, नॉर्थ हटा के ओके, तो साउथ की आ गई। ठीक है, ये हो गया। फिर डेटा एक बार बदलेंगे, फिर से इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है, फिर पाइवोट टेबल में और ओके। जोन में सैलरी और नेम भी सिम डाल देते हैं, ओके। अब देखिए नेम के हिसाब से सब आ गया। यहाँ से जैसे ही जोन बदलेंगे, सिर्फ उसी जोन के लोगों का यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ठीक, जैसे ही जोन बदलेंगे वैसे ही यहाँ पे आ रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब इसके आगे क्या करना है? अब हमें पाइवोट चार्ट बनाना है, ठीक। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट पे जाएंगे। अब ये देखिए एक चार्ट बन गया कॉलम वाला, पर हमको जैसा चार्ट चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। 3D लुक चाहिए, 3D लुक में आएगा और इसको क्या कर देंगे, नेक्स्ट, ठीक है, जैसा भी चाहिए आपको, नेक्स्ट, या बैक करेंगे आप यहाँ पे डेटा सीरीज इन कॉलम, नेक्स्ट और फिनिश। अब देखिए अभिषेक का ये वाला कलर है, ठीक, आकाश का है, सबका यहाँ अलग अलग कलर दे दिया है और अलग अलग सबके वो दे दिए हैं, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं बच्चों, लीजेंड, ठीक है, लीजेंड में कुछ लिखना हो तो कॉन्टिन्यूस, ठीक है, और क्या करना है बच्चों, यहाँ पर कलर कैसा चाहिए, रेड, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे लीजेंड है आपका, ये जो नाम है डेटा में वो पूरे क्या है आपके, लीजेंड हैं, ठीक है, ठीक। देखिए लीजेंड का कलर बदल गया, फिर से आप क्लिक करेंगे ये पूरा लीजेंड के बारे में ही है,
ग्रेडियंट लगाना है आप ग्रेडियंट लगा दीजिए, इमेज लगाना है इमेज लगा दीजिए। देखिए इमेज लग गया, पैटर्न है पैटर्न लगा दीजिए, हैच है हैच जो आपको सही लगे, ठीक है। आप कलर बदल सकते हैं, ओके। तो उस तरह का डेटा यहाँ लग जाएगा, ठीक है। लेजेंड ऑन ऑफ है, क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा और क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। वर्टिकल ग्रिड और यहाँ पे चार्ट एरिया, चार्ट एरिया कलर देखते हैं, ठीक है। देखिए चार्ट का पूरा एरिया जो है बच्चों वो कलर हो गया, ठीक है। तो वो ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा चार्ट एरिया से। आप चाहते हैं कि नहीं सिंपल कलर रखें तो सिंपल रख दीजिए, ठीक। चार्ट टाइप वही है, आपको कैसा चार्ट चाहिए, स्टॉक वाला चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे वो आ जाएगा, स्टॉक नहीं चाहिए तो आपको जो चाहिए वो चार्ट टाइप आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम चार्ट टाइप में जाते हैं, पाई चार्ट में चले जाते हैं, ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक। फिर से यहाँ राइट क्लिक करिए, आप टाइटल चाहते हैं तो इंसर्ट टाइटल, टाइटल में नाम लिख दीजिए सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय और ओके, देखिए यहाँ पे आ गया सैलरी ऑफ एम्प्लॉय करके, ठीक है। ये मेन टाइटल हो गया आपका, ठीक है बच्चों। यहाँ से टाइटल हमने लिख ही दिया है, डेटा रेंज आपका ये शीट है ही पूरी, ठीक है। तो यहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं और कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हैच लगा है, कलर लगाना है जो आपको सही लगे वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट कैसा रखना है उसका फॉन्ट कलर बदल सकते हैं आप, ठीक। यहाँ से ओके कर दीजिए, फॉन्ट कलर बदल जाएगा जो भी आपका पूरा यहाँ पे लीजेंड में नाम रखा है, लीजेंड में जो नाम रखा है वो पूरा यहाँ पे है तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। चार्ट टाइप आपको पता ही चल गया है। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या है फॉर्मेट डेटा सीरीज है, पेस्ट है, कट कॉपी पेस्ट है, अरेंजमेंट है, चार्ट टाइप है, डेटा रेंज है। तो चार्ट टाइप से वही है, टाइप्स ऑफ चार्ट बदल जाएंगे, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये ऐसा ना दिखे, ये कैसा दिखे आपको बार में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करिए, चार्ट टाइप है, हम कॉलम में चले जाएंगे और कॉलम में जो चाहिए उस तरह का ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसा भी आपको चाहिए वो क्लिक करिए, थ्री डी में चाहिए थ्री डी पे क्लिक करिए, थ्री डी में आएगा और ओके, ठीक। तो ये थ्री डी में आया है, देखिए 10,000 इनकी सैलरी, 20,000 इनकी, 30,000 तो सबकी सैलरी आई है, ठीक है। इसमें भी वही है, थ्री डी व्यू में है, थ्री डी व्यू में अपियरेंस कैसा रियलिस्टिक है, आप चाहते सिंपल ओके, तो ये सिंपल में हो जाएगा, ठीक। तो जैसा भी आप चाहते हैं वैसा आपको चार्ट मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सिलेंडर में हो गया, थोड़ा सा यहाँ गोल हो गया है, पर इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ठीक, तो डेटा है हमारे पास, डेटा के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये सैलरी, ये देखिए, ठीक। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, हम लोग का कैल्क वाला पोर्शन ख़त्म हो गया है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो हमारे चैनल पर संपर्क कर सकता है, आपको ये चीज़ें बता दी जाएंगी, ठीक है। चार्ट एक बार बना लीजिएगा और कोई इसमें बहुत समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर डेटा आपके पास होगा उसी से चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग अपने थ्योरी वाले पोर्शन जुड़ेंगे जिसका नाम क्या है, इंटरनेट वाला, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।